सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपने कमेंट किया कि बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी यार अभी तक, कि मार्क्स वर्सेस रैंक की वगैरह। आज की वीडियो मार्क्स वर्सेस रैंक के ऊपर होने वाली है, बट बहुत ज़्यादा हम एक्यूरेट रखने वाले हैं। मतलब लास्ट 2 या 3 साल का पूरा डेटा उठा के एक बहुत सिंपल वे में, एक टैबलर कॉलम में आपको दिखाऊंगा। प्लस यहाँ पे आपके लिए एक और सरप्राइज है, क्योंकि अगर आपने स्किप कर लिया तो इतने दिन से जो मैं गायब था, इतने दिन से जो हम काम कर रहे थे, मेरी टीम आपके लिए काम कर रही थी, वो सरप्राइज भी आपके लिए लाया हूँ। ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, वो सरप्राइज ही आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, हमने कॉमेट के की वेबिनार शुरू कर दिया है। मतलब पहली बार होगा कि मैं काउंसलिंग के लिए, कुछ काउंसलिंग बच्चों की करता नहीं था ना, मैं बच्चों को बोलता था कि मैं यार काउंसलिंग नहीं कर सकता, हर एक का इंडिविजुअली अलग होता है। बट बहुत सारे ईमेल्स आए, 100 से ज़्यादा ईमेल्स आ गए मेरे को कि भैया मेरे इतने मार्क्स आए, मुझे कुछ गाइड करिए, कुछ छोटी सी हिंट दीजिए। मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं। और कुछ बच्चों ने ये भी लिखा मेरे को कि यार भैया हमें काउंसलिंग के लिए 3,000 देने पड़ रहे हैं, 2,800 देने पड़ रहे हैं, कोई 4,000 डिमांड कर रहा है, हमारे पास इतना नहीं है। और ये सच बात है, इतना देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम बैठ के काम करते हैं, जॉट डाउन करते हैं। तो अब हमने वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया है कॉमेट के का, और ये थोड़ा लिमिटेड है यार, क्योंकि टीम के कंस्ट्रेन भी हमारे पास, तो और जूम लिंक का भी हमारे पास कंस्ट्रेन है। तो इस वेबिनार में सिर्फ 100 जने आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं उस वेबिनार को। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, कॉमेट के की मार्क्स वर्सेस रैंक की एक पूरी लिस्ट देख पा रहे होगे, ठीक है। आगे लिस्ट है, ये देखो, ये रही आगे वाली और ये रही पीछे वाली लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि अगर जिनके 180 से 160 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं फाइनल आंसर की से, उनकी 1 से 50 रैंक आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, RVC में CSE मिल रही होगी, ठीक है। जिनको 160 से 140 के बीच में बन रहे हैं, वो 500 तक या 300 तक की रैंक तक लाए करेंगे, जितना मेरे को लगता है 300 तक आराम से वो लाए कर जाएंगे इस रैंक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको RVC, MS-RIT, BMS की CSE आराम से मिल रही होगी। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे कि 140 से 120 आपने अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है, तो 1000 अंडर 1000 के अंदर अपनी रैंक मान सकते हो। अगर आपके 120 हैं, 115 तक कुछ है, तो 1500 तक आराम से जा सकती है रैंक, ठीक है। यहाँ पे आपको ISC मिल सकती है टॉप 3 में, आराम से स्पेशलाइजेशन भी मिल सकती है CSE के लिए, तो घबराने की बात नहीं है। अब आ जाते हैं बहुत क्रूशियल पे, 120 से 100, ठीक है भाई, 120 से 100 के बीच में बहुत सारे बच्चे लाए कर जाते हैं, तो वहीं पे भी हम देख सकते हैं रैंक कितनी बनती है। 1000 से 2500, 3000 के बीच में रैंक चली जाती है, वेरिएशन रहता है रैंक में, बट अप्रॉक्सीमेटली जितना मेरे को पता 90% आपकी रैंक यहीं कहीं नंबर्स में लाए कर रही होगी, जो नंबर्स मैंने यहाँ दिखाए हैं टेबल पे, ये मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। आप देख लेना, आपके जब रैंक निकलेगी मैच कर लेना, इस वीडियो को वापस से आके देखना, मैच कर लेना, क्योंकि ये हमने अपने पिछले 3 से 4 साल का जितना डेटा है वो उठा के देखा है। मेरे जितने दोस्त हैं जो जूनियर है, सीनियर है, जितने मेरे जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, जो मैं साथ के, थर्ड ईयर के, जो मैं साथ के, फोर्थ ईयर के, सबका डेटा कलेक्ट करके, ये बहुत सारा डेटा था, उसको ऐसे कंप्रेस करके हमने बिल्कुल एक फाइनल फॉर्म निकाला ईजी वे में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आ जाते हैं 100 से 90 के बीच में, यहाँ 25,000 से 6,000 तक, यही एक होता है कि जहाँ पे बच्चा वेरी कर जाता है, 90 आ गए, 91 आ गए, 92 आ गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाती है रैंक्स के अंदर, 5,000 पे घूम जाती है रैंक, 3,000 पे घूम जाती है, 4,000 पे घूम जाती है। यहीं पे आपको EIE, टेली कम्युनिकेशन, EC, ये सारी ब्रांचेज यहाँ पे लाए करना शुरू कर जाती है। यहीं पे टॉप 5 में आपको CSE ब्रांच मिलना शुरू हो जाती है, अगर आपकी यहाँ पे रैंक है तो। आप ऐसे प्रेफर कर सकते हो कि 100 से 90 के बीच में अगर आप लाए कर रहे हो, तो या तो आप ऊपर के टॉप 3 की EC ले लो, या तो आप DSC, BMS-IT, NI मैसूर, इन जो टॉप 5, टॉप 6 के कॉलेज है ना, वहाँ पे CSE ले लो, ये आपके माइंड में होना चाहिए क्लियरिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं 90 से 80 के बीच में, जब 6,000 से 10,000 के बीच में रैंकिंग आ जाती है भाई, यहाँ पे बहुत लोग बच्चे फंस जाते हैं, 91, 83, 84, यहाँ पे 85, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं कि क्या लेना चाहिए। यहाँ पे आपको देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपकी मैकेनिकल, सिविल आना शुरू हो जाती है धीरे धीरे टॉप 3 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद जो भी आपकी मैकेनिकल ब्रांच आती है, सिविल आती है, इंडस्ट्रियल आती है, बायोमेटिक, मतलब ये सब टॉप 3 में, फिर धीरे धीरे नीचे की ब्रांचेस यहाँ पे लाए करना शुरू कर जाती है इन रैंक्स के बीच में। प्लस ये रैंक आपको टॉप 5 या टॉप 6 में, जहाँ पे हम BMS-IT ले ले, DSC ले ले, NI मैसूर ले ले, JSS ले ले, वहाँ पे ISC मिल सकती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो।
70 से 80 के बीच में 10,000 से 15,000 आ जाती है रैंक, फिर आपको लोअर ब्रांचेस मिलती है टॉप थ्री में 70 से 60 के बीच में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाया करते हैं तो 15 से 22,000। ये वाली रैंकिंग मैकेनिकल सिविल पे घूम जाती है, टॉप फाइव टॉप थ्री के अंदर ये सारी रैंकिंग आपको मिलती है। ट्रिपल ई भी इसी में लाया कर जाती है, ठीक है। 60 से 50 पे अगर आपकी स्कोर है तो काफ़ी कम स्कोर है, इतना मान जाओ तो 22,000 से लेकर 40,000 ये पीछे तक जा रही होगी आराम से रैंकिंग, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी रैंकिंग हम नहीं बोल सकते, ट्राई करना चाहते हो तो कॉमेड गेम में ट्राई कर सकते हो, बट ये इतनी अच्छी रैंक नहीं है जितना बताऊं। 50 से 30 के बीच में तो नंबर तुम्हारे ख़राब आया, तुमने मेहनत नहीं करी है, बट यहाँ पे 40 से 60,000 आती है रैंक। यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले सकते हो या बायोटेक ब्रांच ले सकते हो जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार हमने देखा प्लेसमेंट टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी ब्रांचेस है बायो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अलाउ करते हैं, कहीं पे बायोटेक होती है, कहीं पे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इस ब्रांचेस के नाम है, ठीक है, सेम ही ब्रांच है बस डिफरेंट नेम्स है, तो इनको अलाउ कर दिया जाता है प्लेसमेंट में बैठने के लिए, तो आप वो ब्रांच कंसिडर कर सकते हो लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारा वेबिनार है, कॉमेड के का वेबिनार, वो 2 से 3 घंटे चलेगा और आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, 6 दिन का टाइम है, मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा, मैं पेड काउंसलिंग किसी की नहीं लेता, मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं गाइड करूँगा आपको वहाँ पे, काउंसलिंग में जितना हो सकेगा मेरे थ्रू मैं आपको कर पाऊँगा, इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है यार, कॉलेज है, मेरे प्लेसमेंट्स भी आने वाले हैं, बट मेरे को लगा कि बच्चों को गाइडेंस चाहिए, मैं आ रहा हूँ वेबिनार में, बैठूँगा आपके साथ, जितना हो सके अपनी तरफ से पूरा गाइड करने की आपको कोशिश करूँगा, जितना हो सके वो करूँगा, और प्राइस जो हमने बहुत मिनिमलिस्टिक रखा, 6 दिन का टाइम है, लिमिटेड स्लॉट है, ये नहीं है सबके लिए खुला छोड़ा भाई, लिमिटेड। अगर आप कि आप जब देख रहे हो और व्यूज़ थोड़े 300 या 400 व्यूज़ है तो सोच लो भाई अभी तक तो शायद भर गए होंगे, क्योंकि 100 स्लॉट है बस, उससे ज़्यादा स्लॉट नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा मेरे पे भी बहुत प्रेशर बन जाएगा, तो 100 ही स्लॉट है, 100 लिमिटेड स्लॉट, ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब आपकी फाइनल रैंक आ जाएगी तब मैं आऊँगा आपके पास, आपको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 का पूरा गाइडेंस देने। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। Do, we're trying to play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything about